टीवी जनता की आवाज़, मैं आपके साथ दीप रंजन कुमार। आज मैं बेलागंज थाना में मौजूद हूं और यहां पे जो दशहरा त्यौहार चल रहा है इसमें सौहार्द बनाने के लिए यहां पे ग्राम रक्षा दल को थाना प्रभारी के द्वारा जो इस ग्राउंड में ग्राम रक्षा दल के लोग मौजूद हैं और इनको ये त्यौहार में सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए लोगों को बुलाया गया और यहाँ कमान आज जो है शाम तक कमान का वितरण किया जाएगा। जो ये जगह जगह जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली एरिया है उस जगह इन लोगों को सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा। तो इसी जगह थाना अध्यक्ष जो हैं प्रशांत कुमार सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि सर आपने जो ये ग्राम रक्षा दल को बुलाया है और आने के बाद आपको सर ये ग्राम रक्षा दल से क्या उम्मीद है सर, क्या ये सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं सर, आपके साथ सहयोग कर सकते हैं? दुर्गा पूजा में दशहरा में जो श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, दर्शकों की भीड़ लगती है, तो दर्शक को सिस्टमेटिक ढंग से सभी को दर्शन कराने और पूजा पाठ कराने का अवसर देने के लिए क्रमबद्ध रूप से सबको सजाएंगे और सभी को दर्शन को उपलब्ध समय के अनुसार हो जाएगा दर्शन करा देंगे और जहाँ कहीं भी विधि व्यवस्था की समस्या होगी शांति व्यवस्था की कायम करेंगे ये लोग और एक तरह से इन लोगों के लिए भी पहली बार सीख होगी कि कैसे हमें ड्यूटी करना है। इस संबंध में इन लोगों को बहुत अच्छा से ब्रीफ किया गया है। बाकी जो प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएंगी तो हमें अवगत कराएंगे तो फिर उनको उसके अनुसार गाइडलाइन भी किया जाएगा और फिर आगे के फिर फेस्टिवल में भी जब जरूरत होगी तो इनको इस्तेमाल किया जाएगा। ये पहली बार है और इनको अभी तो यूनिफॉर्म पहनने से लेकर सभी चीज़ों की मैंने अभी एक मंथ में ब्रीफ किया मैंने जी, फिर आगे भी इनको बेहतर करियर के लिए भी मैं इनको आगे भी प्रशिक्षण देते रहेंगे जी। तो सर ये कहना है कि ये जिन जगह जो इन लोग को ड्यूटी में लगाया जाएगा तो साथ साथ सर आपका सहयोग इनके साथ क्या रहेगा सर? मेरा सहयोग ये होगा कि जो विधि व्यवस्था संधारण मेरी समस्या है, ये मेरे सहयोग के लिए आए हैं तो मैं भी इनको कॉपरेट करूँगा। जब भी इनको किसी तरह की समस्या आएगी ड्यूटी के दौरान तो ये हमें मैंने नंबर इनको कंट्रीब्यूट किया है, बता दिया है कि हमें कॉल करेंगे तुरंत हमारी पुलिस वहाँ पहुँचेगी और एक ऑफिसर भी वहाँ पर मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इन्होंने बेलागंज थाना अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि सारा प्रोटोकॉल जो भी होगा मेरे तरफ से, जो ये ड्यूटी में रहेंगे ग्राम रक्षा दल के लोग उनको असुविधा कहीं अगर महसूस होता है तो मैं वहाँ अपने प्रशासन के द्वारा उन असुविधा को दूर करूँगा। और इसी जगह मौजूद हैं ये ग्राम रक्षा दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार। इधर तो किस प्रकार का आप जो है अपने ग्राम रक्षा दल के सहयोगियों को बुलाया है और आज आप थाने कैंपस में मौजूद हैं? हम ग्राम रक्षा दल के इसलिए हमारा थाना प्रभारी से हम लोग के बुलाए गए हैं कि सभी कदम पुलिस से साथ मिलजुल कर काम करेंगे, मेला में देख रेख करेंगे, किसी प्रकार के मेला में कठिनाई होना चाहिए, ग्रामीण भीड़ बहुत ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर काली माँ के स्थान पर, इसीलिए सारा हमारा जितना ग्राम रक्षा दल है एक कुबेर पुलिस के साथ मित्र के साथ अधिकारी के साथ हम लोग तनाव से काम करने के लिए मौजूद रहे हैं। तो इन्होंने बारीकी से बताया कि जिस प्रकार का यहाँ पे जो अभी फेस्टिवल चल रहा है उसमें कहीं भी किसी प्रकार का सौहार्द न बिगड़े उसके सुरक्षा के लिए इन्होंने जिम्मा लिया और साथ में यहाँ थाना अध्यक्ष भी थे, इन्होंने भी बताया कि जो भी कठिनाइयाँ होगी उसका जो है हम श्रद्धालुओं का पूरा करने का काम करेंगे। इसी के साथ जितेंद्र कुमार, BRJ TV, गया।